अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम जमात नहुम का नौवां सबक जो खुतूत पर मुश्तमिल है का मुतालिया करेंगे। आज हम हाल अहवाल मालूम करने के लिए एक दूसरे को फोन कर लेते हैं, है कि नहीं बच्चों? आज हम एक दूसरे का हाल अहवाल मालूम करने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे को फोन करते हैं। या मुआसलात के जो दूसरे जराए हैं, अब दूसरे जराए कौन कौन से हैं? जैसे ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन अब से कुछ वर्षों पहले, 40-50 साल पहले अगर हम पीछे जाए तो हम देखेंगे कि पैगाम रसानी के लिए या एक दूसरे से गुफ्तगू करने के लिए, बातचीत करने के लिए लोग जो है एक दूसरे को खतो किताबत किया करते थे, है कि नहीं? मक्तूब निगारी, मक्तूब कहते हैं खत को, है ना। खतूत निगारी का ही दूसरा नाम है। मक्तूब किसे कहा जाता है? खत को, और निगारी लिखना, तो मक्तूब निगारी। अब जो खत लिखा जा रहा है, जो खत लिख रहा, खत लिखने वाले को कहते हैं मक्तूब निगार, है ना। मक्तूब निगार का मतलब होता है खत लिखने वाला, और जिसे खत लिखा जा रहा है, जिसे हम खत लिख रहे हैं उसे कहते हैं मक्तूबे एलिया, है ना, मक्तूबे एले उसे कहा जाता है। खत अरबी जबान का लफ्ज है। खत क्या है? एक अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मानी होते हैं रास्ता या लकीर के, है कि नहीं। लेकिन आमतौर पर खत से मुराद वो तहरीर है जिसमें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या सरकारी दफातर वगैरह के अंदर अपने हालात इरसाल किए जाए, या एक दूसरे को अपने हालात वगैरह से तबादला ख्याल किया जाए। अब खतूत की दो किस्में है, पहला होता है गैर रस्मी और दूसरा होता है रस्मी। अब गैर रस्मी, गैर रस्मी खतूत के अंदर दोस्तों, रिश्तेदारों वगैरह को जो हम खत लिखते हैं, है ना, जिसमें हम अपने जाती मसाइल, खुशी, गम वगैरह का जिसमें इजहार किया जाता है उसे कहते हैं गैर रस्मी खत। दूसरा होता है रस्मी खत। रस्मी खत कारोबारी या पेशा वाराना तौर मकासिद के लिए अफसरान, अहदेदारों वगैरह के नाम जहन में मखसूस मकसद के साथ लिखा जाता है। इसमें एक मखसूस मकसद होता है जिसे भी हम लिख रहे हैं।